सब्सक्राइब करें एग्रीबेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले एग्रीबेट की नए वीडियो सबसे पहले देखने के दोस्तों लिए। एग्रीबेट की इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डाइक्रिस्टिसिन इंजेक्शन के बारे में, जिसे आप दोस्तों डीसी या डीसीआर के नाम से जानते होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि डाइक्रिस्टिसिन क्या है, इसे पशु में क्यों दिया जाता है, इसके पशुओं में देने से क्या फायदे हैं, दुधारू पशु और गाभिन पशु में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों डाइक्रिस्टिसिन जो है पेंसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन ग्रुप यानी कि एफपीपी, पैम, बेंजाथिन, पेंसिलिन, ये सब जो इंजेक्शन आता है इन्हीं इंजेक्शन जैसा ये डाइक्रिस्टिसिन है, यानी पेंसिलिन ग्रुप का ये एंटीबायोटिक है। 2.5 ग्राम और 5 ग्राम में आता है। इसमें दो तरह के एंटीबायोटिक मिले होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और साथ में प्रोकेन पेनिसिलिन। अगर हम दोस्तों डाइक्रिस्टिसिन डीसीआर के बात करें उसके अंदर कंपोजिशन का, तो 2.5 ग्राम के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन 2.5 ग्राम और प्रोकेन पेनिसिलिन जी 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट, पेनिसिलिन जी सोडियम 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिला होता है। अगर हम 5 ग्राम डीसीआर के बात करें तो उसके अंदर जस्ट 2.5 ग्राम का डबल हो जाता है। जैसे कि दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 ग्राम होते हैं डीसीआर 5 ग्राम के अंदर, प्रोकेन पेनिसिलिन जी 30 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं और पेनिसिलिन जी सोडियम 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर मिले होते हैं। अगर हम दोस्तों डाइक्रिस्टिसिन के उपयोग के बारे में बात करें तो इस डाइक्रिस्टिसिन का उपयोग सभी तरह के बीमारियों में होता है, जैसे कि बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी, इन सभी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, डायसेंट्री हो गया, पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, मस्टाइटिस हो गया, इन सभी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल से रिलेटेड दोस्तों जितने भी बीमारी हैं उसमें इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों डीसीआर का उपयोग आप सांस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें कर सकते हैं, बच्चेदानी से संबंधित जितने बीमारी हैं उन सभी में आप कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया, गलघोटू हो गया, बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसके अंदर सूजन है, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी बीमारी है दोस्तों, जैसे कि FMD हो गया, डायरिया हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, और डायरिया के अंदर जो दोस्तों जो गोबर करता है डायरिया में उसमें ब्लड आता है, उसमें भी इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप इसे ब्लैक क्वार्टर जो है BQ में उसमें कर सकते हैं, साथ में एलर्जी में कर सकते हैं, इन सभी बीमारी में इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। और भी ऐसे बीमारी हैं दोस्तों जिसमें इसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, जैसे कि सर्जरी घाव को, सर्जरी वाले घाव को सुखाने में, किसी तरह का पशु में सर्जरी हुआ है उस घाव को तेजी से सुखाने के लिए इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में जानवर में किसी तरह का उसके अंदर अगर घाव है, जख्म की वजह से घाव हो गया है या इन्फेक्शन की वजह से घाव हो गया है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घाव में कीड़ा पड़ गया है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में इन्फेक्शन है, पैरों में घाव है या पैरों में जख्म जो है उसके अंदर कीड़े हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका उपयोग एलर्जी में बहुत बढ़िया तरीके से इसका उपयोग होता है। एलर्जी में जैसे कि दोस्तों पशुओं के अंदर किसी तरह का कीड़ा काट लिया है, मक्खी मच्छर काटने की वजह से पशुओं के शरीर में सूजन आ जाता है, गाय भैंस के जो आँख होते हैं फूल जाते हैं, अडर फूल जाता है, इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम डाइक्रिस्टिसिन डीसीआर की अगर हम डोज का बात करें कि 7 ml डिस्टिल वाटर में 2.5 ग्राम या 5 ग्राम को मिला के 10 ml बनाना है और उसे लार्ज एनिमल में 2 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर 2 से 3 दिनों तक देना होता है। साथ में स्मॉल एनिमल गाय भैंस के छोटे बच्चे हो गए, भेड़ बकरी हो गया, उसमें आप इसका इस्तेमाल 1 ml प्रति 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर 2 से 3 दिनों तक कर सकते हैं। और भी दोस्तों जैसे कि इसको घोलने के लिए आप डिस्टिल वाटर का उपयोग कर सकते हैं, एविल का उपयोग कर सकते हैं, कैडिस्टिन का उपयोग कर सकते हैं, इन सब में इसको
आप घोल सकते हैं। जब भी इसे लगाए दोस्तों तो उसके पास आप 5 से 10 मिनट तक उसके पास रहना है। ये देखना है कि उसको रिएक्शन तो नहीं हुआ है। मुंह से अगर गौंज गिरे, मुंह से झाग आने लगे, पशु बेचैन हो जाता है और पशु के शरीर में कपकपी आ जाए और पशु जो है ढांसने लग जाता है यानी खांसी करने लग जाता है, तब समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर ये रिएक्शन कर गया है। तो उस टाइम आप केडिस्टिन का डबल डोज करके ओवर डोज में आप दें, इससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। या आप डेक्सोना लगा सकते हैं, आइसोफ्लोर लगा सकते हैं, इन जैसा इंजेक्शन लगा दे जल्द से जल्द, ताकि उसका जो रिएक्शन किया है वो कम हो जाए। अगर हम बात करें दोस्तों कि गाभिन पशु में इसका क्या उपयोग है, तो इसका जो दोस्तों गाभिन पशु में किसी तरह का एक कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये जो है प्रेगनेंसी सेफ होता है। गाभिन पशु में दोस्तों किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, पर दोस्तों गाभिन पशुओं में इसे आप एविल या और साथ में बी कॉम्प्लेक्स के साथ हमेशा ये इंजेक्शन को आप जरूर लगाएं। दोस्तों अगर हम बात करें कि दुधारू पशुओं में इसका उपयोग कैसे करना है और दुधारू पशु में इससे लगाने से दूध कमता है कि नहीं कमता है, तो दोस्तों दुधारू पशु में जो होते हैं किसी भी इंजेक्शन अगर हम लगाते हैं, चाहे उसके साथ एंटीबायोटिक दे ना दे, सिर्फ सुई भी मार देते हैं, तो वो पशु जो है स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से वो दूध कम कर देता है। इसीलिए आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, अगर हम बात करें DCR जब भी लगाते हैं, तो उसको आप एविल दे, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स दें या किसी तरह के मल्टी विटामिन इंजेक्शन के साथ उसको जरूर लगाएं, ताकि उसमें जो दूध की मात्रा है उतना कम नहीं होगा। घाव में कीड़ा पड़ गया है, किसी पशु में घाव हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, घाव को सुखाने के लिए और कीड़े को मारने के लिए दोस्तों इसके जो पाउडर आते हैं DCR का, वो पाउडर को आप उस जख्म पे रख लेते हैं तो कीड़ा काफ़ी तेज़ी से मर जाता है और उसमें आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके जख्म है या उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, तो डाइक्रिस्टिसिन के अंदर जो पाउडर होता है उसका थोड़ा सा मात्रा अगर आप अपने जख्म पर रख लेते हैं, तो उसके अंदर जो कीड़े हैं सो काफ़ी तेज़ी से मर जाएगा और जख्म काफ़ी तेज़ी से वो सूखने लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि DCR का उपयोग कैसे करना है। DCR का उपयोग दोस्तों 7 ml डिस्टिल वाटर में 2.5 ग्राम एंटीबायोटिक जो DCR है उसको घोल करके 10 ml बना लेना है, और लार्ज एनिमल में 2 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से हमेशा इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। दोस्तों इसको IV या सबकट कभी भी नहीं लगाना है, सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाना है और 2 से 3 दिनों तक ही अगर ठीक हो जाए तब लगाए, अगर नहीं ठीक हो रहा है तब इसका आप जो है 4-5 दिन तक रेगुलर दे सकते हैं, पर 2 से 3 दिन तक ही इसका इस्तेमाल करें। और स्मॉल एनिमल में दोस्तों इसको 1 ml प्रति 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर 2 से 3 दिनों तक दें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए मिलते हैं आने वाला अगला नया वीडियो में।